अरुणाचल प्रदेश लोकप्रिय रूप से लैंड ऑफ दाउलिड माउंटेन के रूप में जाना जाता है और उगते सूरज को बधाई देने वाली पहली भारतीय भूमि है। चीन, भूटान और म्यांमार को छूने वाली अपनी सीमाओं के साथ भारत के उत्तर पूर्वी सिरे पर स्थित ये सुंदर भूमि वनस्पतियों और जीवों को चमकदार सरणी के साथ संपन्न है, जो किसी भी पर्यटकों को लुभाने के लिए निश्चित है। धुन भरी पहाड़ियाँ, चमचमाती नदियाँ, कलकल करते झरने इस अविश्वसनीय भूमि की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। कृषि अरुणाचल प्रदेश में प्राथमिक व्यवसायों में से एक है और राज्य में कृषि विकास की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। राज्य की उपजाऊ भूमि, प्रचुर जल संसाधन और अनुकूल जलवायु परिस्थितियां इसे विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश जिलों में पर्यटन क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं। वास्तव में हर साल कई पर्यटक, चाहे वो घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय, वे प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करने के लिए अरुणाचल प्रदेश का दौरा करते हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों ने पर्यटकों को बुनियादी सुविधाओं के साथ आश्रय प्रदान करना शुरू कर लिया है। पर्यटन विभाग अरुणाचल प्रदेश की मदद से ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। हम अभी आए हैं शेरगांव में लेकी होम स्टे। आइए उनके ऑनर से बात करते हैं। आपका स्वागत है। आप पहले बताइए आपका नाम। मेरी नाम सांग चेजम थुंगन है। मैं लेकी होम स्टे के ऑनर हूँ। आप ये जो लेकी होम स्टे है, आप कौन सा ईयर में आप शुरू किया? 2016-17 के बीच से शुरू किया। और यहाँ जब शुरुआत करने से पहले गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडी, हेल्प, कुछ सपोर्ट मिला था आपको? हाँ जी, मिला है। गवर्नमेंट का हेल्प से मैंने शुरू किया है। और आप ये होम से शुरू करने से पहले आप कुछ आइडियाज़, इंस्पिरेशन आपको मिला होगा ना कि? हाँ जी, मुझे टूरिज़म डिपार्टमेंट से, डिस्ट्रिक्ट टूरिज़म ऑफिसर ने आके एडवाइस किया मुझे, ऐसे ऐसे करने से बहुत बढ़िया होगा, अच्छा शेरगांव में कोई भी मतलब होम स्टे नहीं है बोल के एडवाइस किया। टूरिज़म डिपार्टमेंट से मैंने एडवाइस लेके शुरू किया। और
इस ट्रेनिंग भी कुछ दिया होगा? हाँ जी, जहाँ जहाँ उन लोग ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं हम जाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग में मतलब प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं ना यहाँ पे? हाँ जी, बहुत सारे आते हैं। आपको जैसे स्प्रिंग सीजन में आते हैं, आप जो फूल खिलते हैं और रजोदंडन का फूल खिलते हैं उसमें आते हैं, और समर सीजन में, जब समर सीजन में डोमेस्टिक टूरिस्ट आते हैं। जैसे आसाम के लोग बहुत ज़्यादा गर्मी होते हैं तो वीक में सैटरडे संडे यहाँ इंजॉय करने के लिए आ जाते हैं। और विंटर में जैसे अभी सितंबर शुरू हो गया, सितंबर महीने से आपको फॉरेनर भी आने शुरू होते हैं। मतलब आपका देश विदेश से सब जगह से? हाँ जी, आते हैं। अच्छा, तो आप बताइए कि आप शुरुआत करते समय आपका कितना कैपेसिटी था रूम? दो रूम में से शुरू किया मैंने। दो रूम से? हाँ जी। अभी लगभग कितना है? लगभग मेरे अभी 5 रूम है, टॉयलेट बाथरूम अटैच करके सब फैसिलिटी करके टोटल 5 रूम है। हाँ। तो ये बताइए कि यहाँ पे जैसे कि बाहर का स्टेट का भी आते हैं टूरिस्ट? हाँ जी। और फॉरेन, आप जैसे बताए फॉरेनर भी आते हैं? हाँ जी। तो उनका जो होता है खान पान थोड़ा अलग होता है। हाँ जी। है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ट्राई करते हैं कि लोकल डिश हम लोग प्रोवाइड करने के लिए। तो आपका इसमें ही लोकल डिश का? हाँ जी, लोकल डिश ही ज़्यादा खाते हैं वो लोग। बोलते हैं हम लोग वैसे मतलब जैसे जनरली खाते हैं वो तो हम लोग खाते रहते हैं। हम यहाँ घूमने के लिए आते हैं, यहाँ के रहन सहन देखने के लिए, और यहाँ का मतलब डिश सब खाने खा के टेस्ट करेंगे बोल के आते हैं। बोलते तो लोकल डिश ही ज़्यादा ये करते हैं। और फॉरेनर लोग तो ज़्यादा ही, हम लोग यहाँ पुराना ज़माना खाना कैसे खाते थे, कैसे सब्जियाँ खाते थे, वही सब ही मतलब चाहते हैं वो सब खाने। अच्छा, मतलब आपके यहाँ का लोकल कुछ आपका अवेलेबल है ना? हाँ जी, मेरी सब अपने खेती से निकाल के ऑर्गेनिक ही। अच्छा, मतलब खिला यहीं पे है सबका? हाँ जी। तो आपका जो लेकी होम से, क्योंकि अभी देखा जाए कि ये बहुत सक्सेस चल रहा है ना? हाँ जी, बहुत सक्सेस थे। तो आप कुछ छोटा सा कुछ वर्ड्स बोल सकते हैं ऐसे आपका, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे हो गया, आपका दोस्त हो गया, किसी को कुछ मैसेज? हाँ, मुझे जितना तो मतलब ये होम स्टे चला के आए हैं, एक्सपीरियंस हुआ है, तो जो जो अनएम्प्लॉय आदमी है वैसे सर्विस के लिए देख के नहीं बैठ के अपना इसी तरह छोटा मोटा होम स्टे खोल के शुरू होने से बहुत सक्सेस होगा। मतलब हम अनएम्प्लॉय है, मैं अनएम्प्लॉय हूँ, ये सब कभी भी फील नहीं होंगे। यही मेरे आप लोगों से मतलब मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे कुछ बोलने के लिए मौका दिया आपने। जी जी, हमारा सौभाग्य है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। शेरगांव के बाद हम चुग वैली की ओर बढ़े। गुड मॉर्निंग डिस दिल्ली और मैडम, इतने दूर से यहाँ आके। मेरा नाम है रिंचन जुम्बा और हम ये चुपेली होम स्टे का ऑनर है। मेरा नाम है लिखा। आप ये सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने जो होम स्टे कब शुरू किया? ये होम स्टे जो जून 21 को चुगबेली होमस्टे टीम के साथ बातचीत करने के बाद पता चला है कि पहले वे आजीविका के लिए खेतीबाड़ी करते थे और बाद में होमस्टे खोलने के बाद उनकी कमाई बढ़ गई और अब वे खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। हाय, सो वी हैव कम फ्रॉम तेजपुर असम टू स्पेंड अ वीकेंड ओवर हियर। सो वी हैव कम हियर बिफोर एंड स्पेंड लाइक द नाइट ओवर अदर प्लेसेस, बट
So for now, this is the best place, I would say. So I would request other people around here to come and visit this place. The experience is really nice. The location is really nice. You know, the river in front and the places where we're staying, these huts and all, everything is so nice. And you can like get the proper view of the mountains and everything. So yeah, I would request everyone to come over here and spend some time. Thank you. Namaste, Dorji ji. Namaste. Namaste. Dorji ji, आप बताइए कि आपका ये जो लेटर होम से है, हाँ जी, कब से शुरू हुआ? ये 2015 से शुरू हुआ था. एक्चुअल हमको होम स्टे बोल के पता नहीं था, तो इधर एक आपको आबू तैंग करके एक अपर कंट्री का, उससे मिला था. तो उसने बोला आप होम स्टे खोलिए, इस तरीके का आपको टूरिज्म का लोग आता है, फॉरेनर आता है करके उसी ने आइडिया दिया था. तो मैं घर पे दो रूम होम स्टे खुला था, दो रूम होम स्टे खुला था. तो फिर मेरा पहला गेस्ट कालकी कोसलेन था, जो एक्ट्रेस है ना, तो उनका पिताजी उन्होंने का कुछ नोटिस में बाइक राइडिंग का कुछ था. तो दोनों दो नाइट होल्ड किया, पहला गेस्ट वो है. तो वो आने के बाद बहुत आपको पॉपुलर हो गया, बहुत लोग आने लग गए. फिर एक केम साइड जो खुला था, फिर इसका भी पहला गेस्ट करण कुंद्रा है जो रूडीज में आता है, और सुमित महेश करके एक है, वो दोनों का कुछ शूटिंग था इसमें. अच्छा. वो 5 दिन का हॉल था, तब से मेरा होम स्टे केम साइड सब तब से पॉपुलर हो गया. अच्छा. ये आप जब होम स्टे जब ओपनिंग करने का जब आइडिया मिला ना आपको, जी, आप खुद से फाइनेंस करके हुआ या तो फिर टूरिज्म डिपार्टमेंट से कुछ इनिशिएटिव मिला? एक्चुअल शुरू में हम अपना फाइनेंस करके किया हमने, तो हमको पता नहीं था टूरिज्म में रजिस्ट्रेशन करने करके. एक 1.5 साल के बाद पता चला, फिर मैं रजिस्ट्रेशन किया. फिर रजिस्ट्रेशन किसी का और बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हमको सब्सिडी नहीं मिला. फिर 2018 में हम इटनार गया, आपको टूरिज्म का डायरेक्टर अबू तैंग सर को मिला, और बोमदिला में एक डीसी मैडम थे उनसे मिला. तो फिर हमको 18 में सब्सिडी 4,80,000 हमको मिला. मेरा घर का होम स्टे तो मैं चालू ही था, फिर वही पैसे से मैं इधर टेंट वगैरह किया, अभी कॉटेज बनाया इधर बैक साइड में, आप देख रहे हैं. अभी ये 30 को ये इनोग्रेशन हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा ये भी. तो मदद मिला हमको, 4,80,000 मिला है टूरिज्म का डिपार्टमेंट तरफ से. दर्शकों, आज हम आए हैं वेस्ट कामेंग ज़िले में, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर श्रीमती ट्रेसी वांगमो थोंदोक से मिलने. आइए उनसे जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र द्वारा चलाई जा रहे कई योजनाओं में से एक होम स्टे के बारे में. ट्रेसी जी, आपका स्वागत है. नमस्ते. नमस्ते मैम, आप बताइए कि सबसे पहले वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में ये होम स्टे कब शुरू किया? वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में होम स्टे 2014-15 से शुरू हुआ है. मैम, आप बताइए कि यहाँ वेस्ट कामेंग में जितने भी होम स्टे है ना, कितना नंबर्स आपका एक्टिव है और ऑफिशियली रजिस्टर्ड है? मेरे डिस्ट्रिक्ट में होम स्टे अभी 68 नंबर्स रजिस्टर्ड है, और अभी तक तो सब अच्छा से चला रहे हैं और फंक्शनल है. मैम, आप बताइए कि ये होम स्टे खोलने के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो वो किस प्रकार का होता है? होम स्टे खोलने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे ST, PRC, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, और फिर पुलिस से एक वेरिफिकेशन, और फोटोग्राफ्स घर के, जैसे बेडरूम, इवन टॉयलेट का भी फोटोग्राफ चाहिए. और टॉयलेट जो मैक्सिमम वेस्टर्न प्रीफर करते हैं हमारे जो टूरिज्म के गाइडलाइंस के मुताबिक, तो अटैच होने से ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, क्योंकि गेस्ट लोग को भी यहाँ में ठंड जगह है तो टॉयलेट बहुत दूर हो तो उन लोगों को भी कम्फर्ट लेवल फील नहीं होते हैं. बस ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए. उसके बाद हम लोग उन लोग को, मतलब उन लोग एक एप्लीकेशन के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स मेरे ऑफिस में दे देते हैं. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उन लोग का कॉन्टेक्ट नंबर लेने के बाद में बोर्ड बैठा के, उसके बाद एक डेट फिक्स करके उन लोग को भी खबर करके हम लोग इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं. तो उसमें हम लोग का कुछ चेक लिस्ट होते हैं, तो उसमें मार्किंग सिस्टम भी होता है, उसके मुताबिक हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं. उसमें हम लोग का डायमंड होता है, गोल्ड और सिल्वर. अगर कैटेगराइज करके जिसका मार्क्स थोड़ा
बहुत 100 या 90 ऐसा होता है तो उसको गोल ऐसे करके मतलब 3 कैटेगरी कर देते हैं। तो गोल वाला का जैसे हम लोग चालान करते हैं तो उसमें 3000 का चालान करना पड़ता है, डायमंड का 3000, गोल का 2000 और सिल्वर का 1000। इसी तरह मतलब रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है, उसके बाद हम लोग फर्दर पूरे फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ डायरेक्टरेट टूरिज्म में भेजते हैं, फिर वहाँ से फाइनल उन लोगों का रजिस्ट्रेशन कार्ड या मेरे डिस्ट्रिक्ट में भेज देते हैं। मैम ये जो आप जब एज ए होम स्टे ओनर जब वो लोग ओपन करते हैं ना होम स्टे, तो हॉस्पिटैलिटी के लिए वो लोग को कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है क्या? जी हाँ, होम स्टे जो चलाते हैं उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। डायरेक्टरेट से हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर है स्मृति माना बेंगिया सोनम मैडम, उसके साथ हॉस्पिटलिटी में जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लेके आते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। वैसे मैडम जाके सबको ट्रेनिंग देते हैं और वेस्ट कमिंग में भी मैडम बहुत बार आके दे चुके हैं, धीरंग में दिया, रूपा में दिया, बोमदिला में दिया, ऐसे करके मैडम बीच बीच में तो ट्रेनिंग देते ही हैं। तो उसके बाद होम स्टेज जो ऑपरेटर है उन लोगों को मैडम एक्सपोजर टूर भी देते हैं, सिक्किम ले जाते हैं और बहुत सारा जगह ले जाते हैं। मैम ये होम स्टे खोलने के लिए ना जो पर्यटन विभाग द्वारा जो वो लोग का सब्सिडीज या तो फिर कुछ फाइनेंशियल हेल्प दिया जाता है क्या ये होम स्टे ओनर्स लोग को? हाँ, होम स्टे ऑपरेटर्स लोग को हाँ सब्सिडी दिया जाता है हमारे डिपार्टमेंट से, उसको चीफ मिनिस्टर पर्यटन विकास योजना स्कीम कहते हैं। तो उसमें 13 लाख तक उन लोगों को लोन दिया जाता है, तो 5 लाख उसके अंदर में तो पूरा का पूरा सब्सिडी अमाउंट होता है। तो उससे बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग को भी जो होम स्टे चला रहे हैं उन लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि वो अमाउंट से उन लोग अपना होम स्टे को और कुछ अच्छा चीज़ें खरीदने के लिए उन लोग यूटिलाइज़ करते हैं। मैम जैसे आपने बताया कि एज ए होम स्टे ओनर ना टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी स्कीम दिया जाता है, उसके अंदर आपका सब्सिडी दिया जाता है उन लोगों को ना लोन्स वगैरह, तो उसको अवेल कैसे करता है और अगर करता है तो क्या सब जो जितना भी आपका होम स्टे ओनर है सबको मिलता है कि मैम? हाँ, ये लोन को अवेल करने के लिए ऐसा है कि सबको एक ही साथ में तो हम लोग नहीं दे सकते जितना रजिस्टर्ड है, तो वो फेज वाइज में अलॉट करते हैं डायरेक्टर लेवल से। जैसे कभी ये साल में हो गया हमारे डिस्ट्रिक्ट को 5 अलॉट कर दिया, तो उसमें तो रजिस्टर्ड तो बहुत सारा है तो आधा को तो नहीं दे पाएंगे, तो उसमें हम लोग सिलेक्शन करते हैं। जैसे हो गया कि यहाँ पे बोर्ड बैठाते हैं डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद जैसे मंथली हर होम स्टे हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है जहाँ पे उन लोग का जैसे डोमेस्टिक टूरिस्ट हो गया, फॉरेन टूरिस्ट हो गया, तो हम लोग भी रजिस्टर मेंटेन करते हैं। तो महीने मरने के साथ साथ उन लोग भी हम लोग को उन लोग का बता देते हैं डाटा इतना इतना है। तो कोई कोई व्हाट्सएप में जहाँ पे नेटवर्क व्हाट्सएप का नहीं हो उन लोग हम लोगों को फ़ोन करके बता देते हैं। तो जब हम लोग सेलेक्शन करते हैं तो उस वक्त हम लोग वो सब भी देखते हैं कि कौन अच्छा से चला रहे हैं और कौन थोड़ा पुराना है, क्योंकि जो बहुत पहले से चला रहे हैं अगर उनको ना दे वो भी नहीं होगा। और अभी तो हम लोग ऐसा किया कि थोड़ा सा एक इंटरव्यू जैसे भी लिया ताकि जेन्युइनली हाँ उन लोग चला रहे कि नहीं चला रहे, क्योंकि पहले पहले हम लोग लॉटरी कर देते थे, तो लॉटरी में क्या होता था कि कोई अच्छा से नहीं चला रहा है फिर अच्छा चलाने वाला पीछे रह जाता है। तो इसीलिए अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक बोर्ड बैठा के थोड़ा इंटरव्यू भी लेते हैं, उसका मुताबिक कुछ कुछ उन लोग को टूरिज़्म से रिलेटेड थोड़ा जानकारी पूछते हैं, ऐसे करके सेलेक्शन करके फर्दर हम लोग ईटानगर में फॉरवर्ड कर देते हैं। मैम जैसे आपने बताया कि होम स्टे सक्सेसफुल चल रहा है हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट में ना, तो आप अपने तरफ से कुछ मैसेज दे सकते हैं क्या? हाँ, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ सब है उन लोग बैठा हुआ है तो मेरे ऑफिस में आइए डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिस बोमदिला में और होम स्टे रजिस्टर कीजिए ताकि आप लोग आगे कुछ होम स्टे के ज़रिए कुछ आगे कमा सकें। दर्शकों, जैसे आपने देखा कि शाम हो गई है मैम से बात करते करते, तो इसीलिए आज हम यही समाप्त करते हैं हमारे कार्यक्रम। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू।